मजा आ जाए। अभी हम जा रहे हैं माता बगला मुखी माता के दर्शन के लिए। हम माता बगला मुखी शक्तिपीठ आ चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हो हम अंदर जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आप सबके दर्शन हो और माता रानी बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं उनकी ऊर्जा और वो किसी भी परिस्थिति में आपको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन दे सकते हैं एंड आपके नज़दीक भी कुछ भी गलत चीज़ कभी आ ही नहीं सकते। माता रानी का जैसे आप सब जानते हो एक रूप है माता बगला मुखी और ये सुंदर सा टेंपल है उनका, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हम जा रहे हैं जहाँ तक कैमरा अलाउ करेंगे मैं ले जाऊँगी, कोशिश करूँगी आप सब देख लो। भैया खड़े हो जाओ सामने से, दादा भाऊ जी पीछे लाइन लगी है, खड़े मत रहो दर्शन करिए और चलिए। ये मोबाइल बंद कर लो, लाइन लगी है दे दे लो। दर्शन कर लीजिए, दुर्लभ दर्शन है माँ बगला मुखी के। एक रूप है माता बगला मुखी और ये सुंदर सा टेंपल है उनका, डोबरमैन जैसा ही दिखता है। इनको तो मैं ढूंढ रही थी, डोबरमैन जैसा ही दिखता है। पुष्पा, ये हमारे पुष्पा। भैरव महाराज, काल भैरव जी। क्या ज़ूम इन करूं? नहीं अभी कम करो ज़ूम। बस ये भैरव महाराज है, श्री भैरव महाराज। श्री भैरव महाराज उनके वाहन डॉगी है। श्री परशुराम जी माँ बगला मुखी के सारे रूप, माँ तारा माँ काली के सारे रूप। ये माँ बगला मुखी माता सती। ये माता बगला मुखी के मंदिर आप सब दर्शन कर लीजिए, माँ बगला मुखी प्रसिद्ध मंदिर, सिद्धि सती पीठ कहते हैं इसे। हाँ राधे श्याम, पंडित जी धागा लेके बैठे हैं। टीका विका लगाते हैं क्या पंडित जी? टीका विका लगाएंगे? बिल्कुल। क्या लगाएंगे? कुमकुम, लक्ष्मी।
ये राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ पे गोपाल शिव जी को बोलते हैं ना पशुपतिनाथ, तभी तो शिव जी के अलग अलग रूप के अलग अलग वाहन, तो हर वाहन के साथ ही शिव जी के क्या रहते हैं पता है आपको? ये देखो यहाँ पे कुंड है, शिव शक्ति। Thank you.